बांग्लादेश में जिस तरह का अभी माहौल है, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि दिस इज अ बिगिनिंग? इस तरह से अफगानिस्तान और ईरान या दूसरी कंट्रीज में जो पोजीशन है वो यहाँ भी होने वाली है? सर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑलरेडी 2013 ऐसी सिचुएशन शाहबाग स्क्वायर में हुई थी और यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा था, और अगेन वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इस टॉपिक के ऊपर जो है यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है. एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस इट इन डिटेल ऑल्सो सर. लाइक एज फार एज फंडामेंटलिज्म, एज यू हैव राइटली सेड दैट मेनी ऑफ द प्रिजनर्स, इवन द बैन ऑन जमात हैज बीन अपलिफ्टेड, एंड देन एज लाइक माइनॉरिटी पे अटैक्स भी हो रहे, कई सारी चीजें हो रही, तो ऐसा मतलब देर इज अ फियर, एंड दैट वॉज द फियर ऑफ इंडिया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि इफ शेख हसीना गोज सो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज वुड कम टू पावर एंड दैट वुड बी वेरी डेट्रीमेंटल टू इंडिया. दैट वॉज अवर फियर एंड नाउ इट हैज हैपेंड. एंड दैट इज वॉट लाइक प्रोफेसर यूनुस हैज यस्टरडे ऑल्सो सेड दैट कि इंडिया को जो है ये सोच निकाल देनी पड़ेगी कि अगर अवामी लीग के सिवा बाकी सारी पार्टीज फंडामेंटलिस्ट है. दैट इज वॉट द क्लियर स्टेटमेंट ही हैज गिवन यस्टरडे. अब एज फार एज फंडामेंटलिज्म इन बांग्लादेश इन फ्यूचर, सो सर इसके कई एस्पेक्ट्स हैं सोचने के कि फंडामेंटलिज्म जब बांग्लादेश में था ड्यूरिंग बीएनपी टाइम पे था, दैट वाज द टाइम व्हेन बांग्लादेश का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस वर कंप्लीटली डिफरेंट. इंडिया का भी इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिटिकल लेवरेज जो आज हमारे पास है वो उस समय बिल्कुल नहीं सर। डिफरेंट था. तो अभी जो है सर वो सिचुएशन बांग्लादेश में भी 76% ऑफ एजुकेशन उनका लिटरेसी रेट लिटरेसी है, रेट है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली विमेन एजुकेशन एंड विमेन इनटू वर्कफोर्स इज वेरी हाई देयर. ठीक है सर, तो अब जो है एंड दे हैव टेस्टेड द फ्रूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. डेवलपमेंट सो नाउ द पीपल देयर, लाइक दिस इज अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, ऑफ कोर्स सम ऑफ द प्रोटेस्ट हैज बीन सपोर्टेड बाय द ऑपोजिशन पार्टीज, बट मेजरली नाउ द स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग एम्प्लॉयमेंट. सो डेफिनेटली दे वुड नेवर वॉन्ट टू गेट बैक इन टू इट, सो दे वुड लुक फॉर अच्छा बेटर हो कि ऐसा इकोनॉमिक. ना हो। हाँ, तो वो सर आगे बढ़ने की बात करेंगे. दूसरी चीज सर, अगर आप बांग्लादेश की बात करिए, फंडामेंटलिस्ट सर एज वी हैव कंपेयर्ड इट विद ईरान और पाकिस्तान, सो दिस इज अ वेरी कंट्री विच इज वेरी यूनिकली लोकेटेड, बिकॉज इफ यू सी बांग्लादेश, बांग्लादेश इज अ इस्लामिक कंट्री विच इज सराउंडेड बाय इंडिया और थोड़ा सा म्यांमार के साथ है. इट इज नॉट सराउंडेड विद एनी इस्लामिक कंट्री. अदर कंट्री लाइक अगर आप देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये सब सर वेस्ट एशिया जहाँ पे आपका फंडामेंटलिज्म की इश्यूज हमेशा से रहे हैं. सो जोग्राफिकली सर इसका वैसा कोई इस्लामिक कंट्री से कोई कनेक्ट नहीं है, और कल्चरली ऑल्सो सर दे हैव अ डिफरेंट कल्चर. ऑफ कोर्स रिलीजन इज वन, इस्लाम है आपका, बट कल्चरली दे आर बंगालीज, दे हैव अ डिफरेंट कल्चर. तो ये सर आई कुड सी कि फंडामेंटलिज्म प्लस आज के टाइम पे सर चाइना हैज इन्वेस्टेड हियर, यूएसए और द वेस्ट इज आल्सो हैविंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हियर, दे हैव स्टेक्स हियर बिकॉज ऑफ द गारमेंट इंडस्ट्री, सो दे वुड आल्सो नॉट वांट फंडामेंटलिज्म टू ग्रो हियर, एंड द इंडिकेशन इज ब्रिंगिंग ऑफ यूनुस हियर. दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि भैया फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को हम शेख हसीना को हटाएंगे, लेकिन हम किसी सेक्युलर मतलब एक न्यूट्रल बंदे को बैठाएंगे. सो ब्रिंगिंग ऑफ यूनुस इज इटसेल्फ एन इंडिकेशन. सो मुझे सर जहां तक लगता है कि अभी थोड़े टाइम तो ये चलेगा, ठीक है, एंड जब तक कि सर इनके इलेक्शंस नहीं हो जाते, मोस्ट प्रोबेबली बाय द वंस द एंड स्टेबल गवर्नमेंट वंस कम्स, द स्टेबल गवर्नमेंट, बिकॉज अभी सर क्या है, एंटी हसीना इज समथिंग व्हिच इज द एंटी व्हिच इज दिस इज अ पॉलिटिकल एटीट्यूड सर, कि बीएनपी इज लेवरेजिंग दिस ऑप्शन कि एंटी हसीना के बेसिस पे हम पावर में वापस आ जाए. तो ये अभी बहुत ज्यादा एंटी इंडिया, एंटी फंडामेंटलिज्म एंड हिंदूज, दीज थिंग्स वुड ग्रो. बट पर्सनली आई फील इज सर कि जैसे इंडोनेशिया है, एक इस्लामिक कंट्री है सर, वहां ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो वो वैसा फंडामेंटलिस्ट कभी नहीं बनेगा. ये भी ज्योग्राफिकली सर किसी से कनेक्टेड नहीं है. इवन बे ऑफ बंगाल से इसका अगर आउटलेट है, तो बे ऑफ बंगाल में इंडिया सिक्योरिटी अपनी टाइट रखेगा सर, इतना आसान नहीं है फंडामेंटलिज्म को यहाँ पे कैप्चर कर पाना. प्लस सर इट्स अ वेरी फर्टाइल डेल्टा रीजन, तो यहाँ पे सर लोग भूखे वैसे नहीं मरने वाले, क्योंकि यहाँ पे सर बहुत उपजाऊ एरिया है, डेवलपमेंट होगी, लोगों को मतलब खाना पीना सब कुछ मिलेगा. तो सर फंडामेंटलिज्म काफी हद तक वैसा, ऑफ कोर्स चैलेंजेस वुड कम, बट इट वुड नॉट बी द सेम दैट इट वाज ड्यूरिंग बीएनपीज रिजीम अर्लियर.